गेटे भी था देखा मोटा लगा नहीं मैंने काल ना नहीं निकाले नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप मुझे देख रहे हैं cgsandesh.com पे। आज हम मौजूद हैं पिथौरा ब्लॉक के ग्राम किशनपुर में। किशनपुर देश के कोने कोने तक प्रसिद्ध हो चुका है कि कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वो व्यक्ति जिनके खेत पे यह शिवलिंग प्रकट हुआ है। हम उनसे उनका नाम जानेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उनको जानकारी मिली कि यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ है और कब से यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू की गई है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिंगराज बारिक है। जी, यहाँ पे शिवलिंग कब प्रकट हुआ? ये तीजापुरा का पहले है जी। लगभग कितना दिन हुआ होगा? पाँच महीने के आसपास हो गया होगा, 4-5 महीने होगा जी। तो जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो उसके बाद से आपने सीधा पूजा अर्चना शुरू कर दिया या आपने कुछ यहाँ पे चमत्कारिक प्रभाव देखा? यहाँ एक व्यक्ति बैठा है यहाँ, शौकीलाल सेठ नाम का। उसके शरीर में पूरा घाव और उसका सूजन था, पैर में घुटना में दर्द था। अच्छा। और वो यहाँ आके बैठ गया। बैठने के बाद में उसका जो सूजन और दर्द खत्म हो गया, उसी दिन से पूजा अर्चना चालू हो गया। उसी को प्रकट हुआ, उसको सपना रात को आया कि नारियल फोड़ते फोड़ते दूसरा जगह तोड़ दिया नारियल को, तब उसको थोड़ा अच्छा माहौल आ गया, घबराहट आ गया। तो कैसा मेरे को घबराहट आ गया अभी बोल के सोचने लगा, तो उसको साफ करने जब लगा ना तब उसको दिखा वो शिवलिंग को। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग लाखों लोगों श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बहुत लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ चुकी है। शासन की तरफ से यहाँ पे क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद रहती है या ऐसा कुछ रहता है, या सब आपकी तरफ से और पंचायत की तरफ से व्यवस्था किया जाता है? ये शासन ना पंचायत किसी की तरफ से ना पुलिस प्रशासन से भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने तरफ से ही जो भी कर रहे हैं हमारे तरफ से है। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे निरांचल सेवा समिति के संचालक संपत अग्रवाल जी भी आए थे। ऐसा खबर थी कि उन्होंने यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी है, तो उस राशि से क्या मंदिर का निर्माण कब तक कराया जाएगा, एक भव्य मंदिर का? पुरंदर मिश्रा भी आए थे, 1,21,000 घोषणा करके गए हैं और वो 1,11,000 तत्काल दिए हैं संपत अग्रवाल, अभी दिए नहीं है। 11,000 सिर्फ दिए हैं, उसका कुर्सी टेबल लाए हैं और जो भी पैसा है ईंट उट सब डाल रहे हैं। देखो, और इसी का मंदिर बनाएंगे हम। 2 दिन पहले यहाँ पे सांसद चुन्नीलाल साहू जी भी पहुँचे थे। हाँ। तो उनके द्वारा इस क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की गई? उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो किशनपुर में जो शिवलिंग प्रकट हुआ है वो 13वें ज्योतिर्लिंग के लिंग के रूप में विख्यात होगा, तो उनके द्वारा यहाँ पे क्या प्रयास किया गया है? वो तो आए दर्शन वर्शन करके गए और यहाँ एक जो बोरिंग खोदवा देंगे बोल के गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी किया जा रहा है सारे पंचायत की तरफ से व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। काफ़ी दूर दूर से हम यहाँ पे देख रहे हैं, पंचायत की तरफ से नहीं है, पंचायत को यहाँ देख रहे नहीं कर रहे, सिर्फ अपने तरफ से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सरपंच आज तक यहाँ आया नहीं है, 4-5 महीना हो गया। अच्छा, तो लिंगराज बारिक जी का कहना है कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे की जा रही है, पंचायत की तरफ से यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे दुकानें लगाई गई है। एक तो बोर सिर्फ खोदवा दे है वहाँ बोरिंग खोद के छोड़ दिया पंचायत, उसके बाद पंचायत का कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ पे आके दुकानें लगा रहे हैं। यहाँ तो देखो तो चारों तरफ से आ रहे हैं, यहाँ तो कल सागर पूछ रहे थे, सागर का आदमी आया था, दिल्ली से आ गए हैं यहाँ। अच्छा, मतलब दिल्ली से लेके सागर, मध्य प्रदेश, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इतनी प्रसिद्धि यहाँ इस क्षेत्र को मिल चुकी है। तो और आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हाँ, भैंसा दरा से एक व्यक्ति, एक लड़की आई थी यहाँ। अच्छा। वो 7 साल से बात नहीं कर रहे थे, यहाँ बात करके गई है वो। अच्छा, तो एक चमत्कार यहाँ पे आपको देखने को, फोटो वोटो सब रखे हैं लेकिन फोटोग्राफर लोग अभी नहीं आए हैं। 7 साल तक बात नहीं कर रही थी वो। अच्छा। और 13-14 साल का लड़की है वो, तो यहाँ आके बात करने के बाद वो क्या मन्नत मांग के झंडा उंडा चढ़ा के गई है, यहाँ बात करके गई है।
यहाँ की मिट्टी में एक चमत्कारी शक्ति है कहते हैं, तो मिट्टी में किस प्रकार की चमत्कारी शक्ति है एक बार वो आप बताएंगे? जो भी जहाँ भी आपका दर्द घुटना है, घुटना माथे में पेट में जहाँ भी दर्द है, उस मिट्टी को लगाने से आराम हो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ की मिट्टी काफी सारे लोग लेके जाते हैं, हमने भी वहाँ पे देखा काफी गहरा हो गया था। हाँ, तो मिट्टी लगा के ले जा रहे हैं सब, एक एक किलो डेढ़ डेढ़ किलो ले जा रहे हैं और सब मिट्टी घर में लेके उपयोग कर रहे हैं, उसी में तो आराम है। यहाँ ना बैगा ना गुनिया, कोई भोग ना झाड़, कुछ नहीं है। अच्छा, और भी कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनको इस शिवलिंग के बारे में कहाँ से जानकारी मिली। क्या नाम है भी आपका? सोन साय के वर्त। सोन साय के वर्त, कहाँ से हैं आप? हम लोग मल्हार से। मल्हार ये कहाँ है? ये बिलासपुर मस्तूरी। बिलासपुर मस्तूरी बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो आपको शिवलिंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? ये इसे यूट्यूब में इसमें हम लोग को पहचान यही मिला है, कम से वही से देख कर बताए थे हम लोग को, यहाँ से पूछते पूछते यहाँ से हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा, तो आपने दर्शन किए शिवलिंग के? नहीं, वैसे तो थोड़ा आज त्योहार है ना, तो इस नाम से कुछ कम हुआ है, लेकिन तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या है ना, जानकारी हुआ तो कम से कोई दर्द होता है वो होता है कि करी हम मिट्टी का जानकारी हुआ तो हम लोग भी चले आए। तो आप यहाँ पे कोई मनोकामना लेके आए थे या केवल शिवजी के दर्शन? नहीं नहीं, कुछ कामना लेकर आए थे। लेकिन तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे शिवजी का मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ था, और यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे लोग एक रोजगार का जरिया बना चुके हैं। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं जो कोई यहाँ पे प्रसाद बेच रहे हैं, कोई सिंदूर बेच रहा है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है। ऐसे ही गिरोधपुरी के एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पे अपनी दुकान लगाए हैं और प्रसाद बेचने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे दिन भर में लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं और कितने की इनकी बिक्री हो जाती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार अजय है जी। और यहाँ श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो रहा है अभी, लेकिन दो चार दिन हुआ, कम हुआ है अभी। अच्छा, अभी जैसे कि पुष्पुन्नी अभी आने वाला है, तो उसकी वजह से क्षेत्र में क्या है कि त्यौहार का एक बहुत ज़्यादा माहौल रहता है, जिसकी वजह से लोग घरों में ही अपना त्यौहार मनाते हैं और ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, इस वजह से यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है, ये एक वजह हो सकती है। हाँ, ये वजह हो सकती है। तो आप गिरोधपुरी से यहाँ पे आए हैं, तो आपको यहाँ की जानकारी कैसे मिली? यहाँ की जानकारी, यहाँ लोग आ रहे थे, हमारे गाँव के आ रहे थे, इसीलिए पता चला हम लोगों को। जो बर्फ वाले थे ना, वो सब बताया हमको, यहाँ दुकान उकान है, यहाँ शिवलिंग निकला हुआ है, ऐसे बोलकर। अच्छा, तो जब से आप यहाँ पे आए हो, तो किसी व्यक्ति की ऐसे कोई चमत्कारिक चीज आपको देखने को मिली या सुनने को मिला? हाँ, लोग बोल रहे थे कि यहाँ मिट्टी से ठीक हो रहे हैं, बीमारी ठीक हो रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे सब लोग। अच्छा, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो चमत्कारिक है जिससे लोगों की बीमारियाँ ठीक हो रही है? हाँ, मिट्टी से जी। ठीक है, धन्यवाद। लाल सिंह, आप कहाँ से आए हैं? रामा भाटा से। रामा भाटा रायपुर से? हाँ, रायपुर से। तो आपको मंदिर की जानकारी कहाँ से मिली? रायपुर में मिला है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने दर्शन किया? दर्शन करने आया हूँ। तो कैसा लगा? अभी तक दर्शन नहीं किया है आपने? अभी दर्शन नहीं किया हूँ, करेंगे। ठीक है। मेरा नाम किशन पटेल सर। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ सर बसना आगे सांकरा से। अच्छा, तो आपने शिवलिंग के दर्शन कर लिए? हाँ जी, तक कर लिए। तो यहाँ पे दर्शन करके यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? यहाँ का माहौल तो सर भक्तिमय है, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो आपको किशनपुर की जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को किशनपुर की जानकारी ऐसे ही मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया से। अच्छा, तो आप यहाँ पे पहली बार आए हैं या पहले भी आप आ चुके हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पहली बार आए हैं। अच्छा, तो आप किशनपुर पहली बार आए हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी।